हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीवीआर स्टडी। आज पढ़ाने चल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार से, या एक पहला टाइप से है जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना। और सेकंड टाइप से जब वाक क्या से शुरू होता है। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं, जब वाक के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। दोस्तों, इसका अनुवाद करने का नियम, ट्रांसलेशन का नियम अलग होता है। इसका अनुवाद करने का नियम देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड आइंज प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड इज एम आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, आई के साथ एम, सब्जेक्ट मेन वर्ब में चौथी अवस्था अर्थात मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, पूंजीपति गरीबों और जरूरतमंदों का शोषण क्यों कर रहे हैं, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो इसके हम सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है तो भाई पूंजीपति है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर लगाएंगे। फिर द कैपिटलिस्ट लिस्ट चलिए, मेन वर्ब क्या है, शोषण कर रहे हैं, शोषण एक्सप्लोइटिंग किसका शोषण कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है आपका गरीबों और जरूरतमंदों का, एंड दी नीडी। वाई आर द कैपिटलिस्ट्स पूंजीपति एक्सप्लोइटिंग शोषण कर रहे हैं द पुअर एंड नीडी। मार्क का बदल दीजिएगा, जैसे थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, जैसे मतलब चले अच्छा नहीं तो रुक गया, थोड़ा देर से थोड़ा उसे बदल रहा। सेकंड टाइप से है जब वाक क्या से शुरू सुना पर जब वाक क्या से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं,
क्या एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कर रहा है? तो सेकंड टाइप्स है बताया गया, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसे ट्रांसलेशन करना हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आदर्श व्यक्ति, अर्थात सिमिलर सब्जेक्ट हमारे सामने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इच एन व्यक्ति आप क्या सब्जेक्ट है, उसके पहले एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिखेंगे। आइडियल पर्सन कर रहा है डूइंग, क्या कर रहा है? अपना कार्य, हिज वर्क, हिज वर्क ऑनेस्टली, इज एन आइडियल पर्सन डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। देखते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है, तो प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भिन्नता क्या होती है? नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद कर देते हैं, सिर्फ यही एक अंतर है। पहला टाइप देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट रख देंगे, सेम वही कंडीशन रहेगी, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जांपल, तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? वाई सब्जेक्ट हमारा यू है, यहाँ आर लगेगा, यू नॉट टीचिंग हिम। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं, राहुल यह पुस्तक किसे पढ़ा रहा है? राहुल यह पुस्तक किसे पढ़ा रहा है? तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसे, तो सबसे पहले किसे की इंग्लिश लिखेंगे, हुम, किसे, हुम। राहुल हमारा सिमिलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज सब्जेक्ट क्या है? राहुल किसे नहीं पढ़ा, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे नहीं सब लगा दीजिए,
राहुल, तो यहाँ पे नाट का प्रयोग करेंगे, टीचिंग ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस बुक, दिस बुक। सेकेंड टाइप्स, सेकेंड टाइप देख लेते हैं इसी प्रकार से। सेकेंड टाइप्स क्या है फ्रेंड, ये आपका रहा सेकेंड टाइप्स। जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य हमारा कैसे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं, ये रहा सेकेंड टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, क्या पूंजीपति गरीबों का शोषण नहीं कर रहे हैं, क्या से शुरू है पूंजीपति, तो यहां पे आर लगाएंगे, दी कैपिटलिस्ट्स नॉट शोषण करना एक्सप्लोइटिंग, शोषण कर रहे हैं किसका, गरीबों का। यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स सोच रहे होंगे ऑफ का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्सप्लोइटिंग के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं किया गया। फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देख लेते हैं, क्या मैं अपनी कलम नहीं खरीद रहा हूं, क्या मैं अपनी कलम नहीं खरीद रहा हूं, तो आई मैं है अर्थात एम, आई नॉट खरीदना बाई आई एनजी लग जाएगा, क्या खरीद रहा हूं कलम, तो आई के साथ एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, माई पेन, आई एम आई नॉट बाइंग माई पेन। इस तरह फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों का समाप्त होता है, पर समाप्ति से पहले दो कंस्ट्रक्शन इसी में और है बता देते हैं आप लोग को। अधिकांश फ्रेंड्स ना नी ने प्लस है, ये रहा कंस्ट्रक्शन। इस तरह के भी प्रश्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अधिकांशता पूछे जाते रहते हैं, तो देखिए इसका नियम क्या है, नियम क्या है, इज एम आर प्लस टू प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ये रहा आपका रूल। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे होना चाहिए यहां पे, मुझे उसे यह पुस्तक, मुझे उसे यह पुस्तक पढ़ानी है,
पढ़ानी है, ये आया है नहीं है देखते हैं। आई आई मैंने मैं क्या होता है मैं या मुझे है ना, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम टू पढ़ाना क्या होता है टीच, टीच के बाद यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे हिम, उसके बाद दिस बुक। ओके फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे, आई एम टू टीच हिम दिस बुक, मुझे या पुस्तक उसे पढ़ानी है। आई होप किस तरह से पूछता है आप लोग बताते हैं। दे आर, दे आर, दे आर ऑप्शन है टू गोइंग, सेकेंड ऑप्शन टू गो, थर्ड ऑप्शन टू वेंट और लास्ट ऑप्शन है टू गॉन। कह रहा है दे आर टू दियर विलेज, उसे अपने गांव, उन्हें अपने गांव जाना है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स ये सेकंड ऑप्शन आपको क्या सही है, उन्हें अपने गांव जाना। ओके फ्रेंड्स अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, वाला है, वाला वाली वाले हैं, रूल क्या है अबाउट सॉरी इच एम आर अबाउट अबाउट टू मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसे सॉरी वह घर जाने वाला है, वह घर जाने वाला है, तो इसका नियम क्या होगा ही माने वह, इज माने है, अबाउट टू, अबाउट टू गो टू होम, वह घर जाने वाला है, वह गीत गाने वाली है, गीत गाने वाली है, वह गीत गाने वाली है, स्त्रीलिंग है सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, अबाउट टू, अबाउट टू सिंग, वह गाने वाली है, क्या गाने वाली है ऑब्जेक्ट है तो आसान। एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स, तुम पुस्तक खरीदने वाले हो,
खरीदने वाले हो। अबाउट टू क्या बताता है फ्रेंड्स, जो कार्य तुरंत होने वाला है, जस्ट देन तुरंत होने वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। यू आर अबाउट टू खरीदने वाले, बाई क्या खरीदने वाले हैं, पुस्तक, आ बुक। ओके फ्रेंड्स, यही पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अब अगली क्लास में अब आप लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।